नमस्कार दोस्तों, मोहम्मद सिराज और हार्दिक पांड्या की आंधी में उड़ी श्रीलंकाई, कैसे सिराज की गेंदों को नहीं भाप काए श्रीलंकाई बल्लेबाज और किस तरह से कहर बरफाती हुई हार्दिक पांड्या की गेंदें श्रीलंकाई बल्लेबाजों के स्टंप उखाड़ दिए, तो हम उसका सब कुछ वीडियो दिखाएंगे आगे आपको इस वीडियो में। तो इसीलिए यार चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। आपको बता दें, एशिया कप 2023 के फाइनल में भारत और श्रीलंका के बीच मुकाबला खेला जा रहा है। कोलंबो में खेले जा रहे इस मैच में श्रीलंकाई कप्तान दासुना सनाका ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया, लेकिन आपको बता दें उनका यह फैसला इतना बुरा साबित हुआ कि जिसको देखकर आप भी हैरान हो जाओगे। और आपको बता दें कि आज श्रीलंकाई बल्लेबाजों की बैटिंग देखकर ऐसा पता चल रहा था कि ये कोई घरेलू क्रिकेट खेल रहे हैं जबकि फाइनल नहीं। इतनी बुरी तरीके से आज ये मैच में फ्लॉप हुए हैं जिसको देखकर आप भी काफी ज्यादा खुश हो जाओगे यदि आप भारतीय फैन हो। तो इसलिए यार एक लाइक तो बनता ही है। आपको बता दें, भारतीय टीम की ओर से तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज ने 7 ओवर में 21 रन दागकर 6 विकेट झटके। तो आपको बता दें, सिराज ने केवल एक ही ओवर में 4 विकेट लेकर श्रीलंकाई बल्लेबाजों को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया था। तो वहीं हार्दिक पांड्या भी पीछे नहीं थे, उन्होंने मात्र 2.2 ओवर की गेंदबाजी की जिसमें उन्होंने 3 रन दिए और 3 विकेट हासिल किए। लेकिन आपको बता दें, जसप्रीत बुमराह ने भी एक बल्लेबाज को पवेलियन का रास्ता दिखाया था। तो वहीं आपको बता दें, आज भारतीय टीम फाइनल मुकाबला जीतने जा रही है और वह रिकॉर्ड भी बना देगी क्योंकि एशिया कप में 8वीं बार भारत फाइनल का खिताब उठाने जा रही है। तो वहीं आपको बता दें, भारतीय टीम को खिताब जीतने के लिए मात्र 51 रनों का आसान टारगेट मिला है। श्रीलंकाई टीम की ओर से विकेट कीपर बल्लेबाज कुशल मेंडिस ने सबसे ज्यादा 17 रन बनाए जबकि दसुना हेमंता ने 13 रन बनाए। इसके अलावा कोई भी बल्लेबाज दहाई का आंकड़ा नहीं छू सका जबकि 5 बल्लेबाज खाता भी नहीं खोल सके। तो दोस्तों, यदि आप भी भारतीय गेंदबाजों के फैन हो गए हो तो कमेंट बॉक्स में उनके लिए कुछ जरूर टाइप करना।